डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। यस, सिविल सर्विसेज मेंस। आप में से कुछ लोग इसका वेट कर रहे हैं और बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि मैं मेंस पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन ऑफ कोर्स पीएसआईआर पे ये फर्स्ट वीडियो, अदरवाइज जो GS2 पेपर है या इथिक्स है उस पर मैंने कुछ वीडियोज बनाए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मेरे मन में जरूर है कि मेरे जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं उनको मैं कई तरीके से हेल्प करूँ, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। तो चलिए आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं PSIR के पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस से। लेकिन ये केवल पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस नहीं है, जैसा मैंने लिखा है कि पॉलिटिकल साइंस एंड IR की जो PSIR कहते हैं उसकी 2024 पेपर को मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। उसका पार्ट वन है, कई पार्ट में कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि यदि एक ही पार्ट में करते तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो उसको छोटा करने के लिए, और बाद में मैं एक वीडियो पूरा जारी कर दूंगा, 2-2.5 घंटे का होगा सबको जोड़ करके, तो आप उसको चाहें तो एक बार में देख सकते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि चूंकि फर्स्ट वीडियो है, यहाँ चर्चा हम लोग कर रहे हैं सिलेबस की, बुक्स की, मेरे हिसाब से क्या बुक्स एंड रिसोर्सेज पढ़ने चाहिए, और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर जो अभी जो जस्ट एग्जाम कुछ दिन पहले हुए हैं उसके कुछ क्वेश्चन को हम लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। चलिए ये बहुत लंबी भूमिका हो गई, शुरू करते हैं सिविल सर्विसेज मेंस पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस 2024 मेंस PSIR पेपर वन पार्ट वन ऑफ दैट अलोंग विद सिलेबस बुक्स एंड गाइडेंस हाउ टू प्रिपेयर। ये है सिलेबस PSIR का पेपर वन का। दो पेपर होते हैं आपको पता है, दोनों में आपको 5-5 क्वेश्चन लिखने होते हैं। एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है, तो 50 × 5 मतलब 250 मार्क्स, × 2 मतलब 500 मार्क्स का आपको एक मेन का पेपर होता है। इसमें जो पेपर वन में दो पार्ट हैं, एक है पॉलिटिकल थ्योरी और दूसरा पार्ट है इंडियन पॉलिटी। पॉलिटिकल थ्योरी में जो पढ़नी है वो मीनिंग एंड अप्रोचेज हैं, डिफरेंट टाइप को जो ट्रेडिशनल अप्रोच हैं, मॉडर्न अप्रोच हैं, नॉर्मेटिव, एम्पिरिकल एंड ऑल। थ्योरीज ऑफ स्टेट पढ़नी है, स्टेट आपको पता है राजनीतिक कॉन्सेप्ट स्टेट का, जो एक फिक्स्ड बॉर्डर टेरिटरी पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट होती है, तो उसके जो थ्योरी हैं लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, न्यू लिबरल थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, प्लूरिस्ट थ्योरी और पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। जस्टिस इक्वलिटी राइट्स जो ये जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल वैल्यू हैं उसको पढ़नी है। जस्टिस में जो आपको दिया गया है कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस विथ स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स कम्युनिटेरियन क्रिटिक। इक्वलिटी में पढ़नी है सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप इक्वलिटी और फ्रीडम के बीच में क्या है, दोनों कई बार एक दूसरे काटते हुए नजर आते हैं, और जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या एफर्मेटिव एक्शन जो सोशल जस्टिस के लिए की जाती है उसका क्या कॉन्सेप्ट है। यदि अधिकार राइट्स की बात करें तो मीनिंग एंड थ्योरीज ऑफ राइट्स, डिफरेंट थ्योरी जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है या नेचुरल राइट थ्योरी है, मॉरल थ्योरी है, लीगल थ्योरी है, वेलफेयर थ्योरी एंड ऑल। डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स, फर्स्ट जनरेशन राइट, सेकंड जनरेशन राइट, थर्ड जनरेशन राइट, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मॉरल राइट्स एंड लाइक, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का तो पूरा एक विशाल तंत्र है, वो उसके बारे में पढ़नी है। डेमोक्रेसी भी आपको पढ़नी है इसमें, क्लासिकल एंड कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरीज, जो क्लासिकल एथेनियन या जो इंडियन लिच्छवी और जो बुद्धिस्ट डेमोक्रेसी जो होते थे संघास, उससे लेकर के, और जो कंटेम्प्रेरी थ्योरी में जिसको लिबरल डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं उसकी थ्योरीज पढ़नी है। डिफरेंट जो मॉडल्स डेमोक्रेसी के हैं, रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी उसको आगे ले जाता है, उसको पढ़नी है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, आपको पता है कि बिना पावर के पॉलिटिक्स का कोई मीनिंग नहीं है, पावर और इंटरेस्ट ये दो प्लेकार्ड हैं पॉलिटिक्स के, तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पढ़ना है, उसका नाता क्या हेजेमनी से है, आइडियोलॉजी से है, और लेजिटिमेसी कैसे, पावर और लेजिटिमेसी का क्या नाता है, मतलब पावर एंड अथॉरिटी आप समझ सकते हैं। जो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म, ये पढ़नी है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपको धर्मशास्त्र ट्रेडिशन पढ़नी है, अर्थशास्त्र ट्रेडिशन एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, सर सैयद अहमद खां हैं, अरविंदो हैं, एम के गांधी, अंबेडकर और अरविंद रॉय हैं। छोटा सा सिलेबस है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का भी छोटा सिलेबस है, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मिल, मार्क्स, ग्राम्स्ची और आना हागन, छोटा सा सिलेबस है। सभी पूरा सिलेबस जो है ये यदि आप देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस, तो ये एक तरह से एब्रीज्ड वर्सन ऑफ 3 ईयर सिलेबस जो बी ऑनर्स का, उसका एक छोटा वर्सन। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। पहला पार्ट जो है वो इंडियन नेशनलिज्म और नेशनल मूवमेंट है, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म टू मास सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, जितने भी गांधीयन आंदोलन थे, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी जो धाराएं थी, पीजेंट एंड वर्कर मूवमेंट, ये तो चलो इसको हटा दो,
पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, ये मैंने एक पूरा वीडियो बना करके बताया हुआ है, रेडिकल ह्यूमनिस्ट एंड दलित पर्सपेक्टिव एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो जो ब्रिटिश रूल के टाइम में जो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सैलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल के बारे में, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, DPSP, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेंडमेंट प्रोसीजर, जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के बारे में पढ़नी है, देन प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ ए यूनियन गवर्नमेंट, जो एज मतलब ये बहुत मजेदार है कि इनविसेज रोल एंड एक्चुअल वर्किंग, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रोल दिए गए हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स का, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर का, वो और जो एक्चुअल जमीन पे उनकी वर्किंग दिखती है, उन दोनों को कंपैरिजन भी करना है। सेम वे स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको कंपेयर करना है उनके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट्स का, जो उनके इनविसेज रोल हैं और जो वो जमीन पे दिखते हैं। इसके अलावा ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी है, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल कॉर्प गवर्नमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ग्रास रूट मूवमेंट का क्या स्टेटस है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले तो ये सिलेबस छोटा सिलेबस है, इसको बहुत आसानी से एक दो महीने में जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है, इट इज नॉट अ बिग सिलेबस। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिलेबस 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 मतलब आपकी प्रिपरेशन हमेशा सिलेबस से निकलनी चाहिए, उसके इतर नहीं। एक टॉपिक देखिए, जैसे कि मान लीजिए लिखा है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लीगेसीज ऑफ द ब्रिटिश रूल, इसका मतलब यह है कि जो ब्रिटिश रूल जो था, ब्रिटिश इंडिया, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुए थे उसके बारे में अच्छी आपको नॉलेज चाहिए, तो आप रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक को पढ़ लीजिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में हुआ। इसके अलावा सॉरी, अभी ये कंटिन्यूड है तो मुझे लगा कि वो छोटा है, लेकिन ठीक है थोड़ा और है। स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन एंड कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पे एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लाइक इलेक्शन कमीशन या CAG, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, लेकिन पता नहीं ये कैसे एग्जाम में इस टाइप से आ गई कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सबसे बड़ा स्टैट्यूट जो किसी भी कंट्री का होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। लेकिन यदि आप उसको डिफ्रेंशिएट ही करना चाहें, बड़ा स्टैट्यूट छोटा स्टैट्यूट, तो आप कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, UPSC भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखे गए हैं, और तीन जो है यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको कि आप कह सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है लेकिन एक लॉ से लाए गए हैं, लाइक नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। देन हमें फेडरलिज्म के बारे में पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, चेंजिंग नेचर ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन कैसे बदल रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते, एंड इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज एंड रीजनल एस्पिरेशंस। अभी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसी है, और रीजनल एस्पिरेशंस तो कई तरह से दिखती है, रीजनल पार्टी का उदय एंड कोलिशन गवर्नमेंट एंड रीजनल एडजर्शन, छोटे स्टेट की मांग एंड ऑल, इंटर स्टेट डिस्प्यूट, इंटर स्टेट जो काउंसिल है, इन सब के बारे में पढ़नी है। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेहरूबियन एंड गांधियन पर्सपेक्टिव कैसा था, रोल ऑफ प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर, ग्रीन रिवॉल्यूशन, लैंड रिफॉर्म एंड एग्रेरियन रिलेशन, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये सब पढ़नी। कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, पार्टी सिस्टम, नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज, लेफ्ट पार्टीज, राइट पार्टी, सेंटर पार्टी, पैटर्न ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, प्रेशर ग्रुप, ट्रेंड इन इलेक्टोरल बिहेवियर कैसे बदल रहा है, वोटिंग बिहेवियर एंड ऑल, चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब रिप्रेजेंटेशन भी बदल रहा है, सोशल मूवमेंट भी पढ़नी है, सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट मूवमेंट इंडिया में जो हुए हैं, वुमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट एंड ऑल। फिर भी मैं बोलूंगा कि सिलेबस बहुत ही टाइट और बहुत ही छोटा सिलेबस है, जिसको आसानी से एक दो महीने में किया जा सकता है। अब आइए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है इसमें तो काफ़ी टाइम तो खर्च हो गया आपको बताने में, और एक बात और आपको बतानी है कि किस किताबों से पढ़े, कैसे पढ़े, वो लास्ट स्लाइड मैंने रखा है। अब जो टाइम बचा है इसमें, उसमें जो पहला क्वेश्चन, आपको शायद पता होगी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है और फिफ्थ क्वेश्चन वो कंपलसरी होता है, बीच में पाँच क्वेश्चन में से तीन लिखने होते हैं,
तो मैं जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें 5 होते हैं, वो सबसे मतलब कि इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपका टोन सेट करते हैं, और जो उसमें आंसर आप लिखते हैं उसी से लगभग टीचर समझता है कि आपकी ज्ञान कितनी है, और बाकी भी क्वेश्चन को उसी पैटर्न पे देखता है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा वैल्यू देनी है। ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं जो पूरे कंपलसरी हैं, क्वेश्चन 1 मैं कह रहा हूँ उसके 5 पार्ट होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, 150 वर्ड में लिखने होते हैं। 150 वर्ड का मतलब कि लगभग 15 लाइन में आपको लिखना, तो उसे बहुत ही कम है, मतलब जैसे जितने मैंने यहाँ वर्ड लिखे हैं उसको केवल आप यदि सेंटेंस में लिख दीजिए तो 150 वर्ड हो जाएंगे, यदि एक्सपेंड करेंगे तो ये तो 500 वर्ड हो जाएगा। अब आइए हम लोग एक एक करके इन 5 क्वेश्चन को देखते हैं और किस तरह से मैंने एनालाइज किया है, जरा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, बस इतना ही है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब फ्रेज है, बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, इस पे आपको 150 वर्ड लिखना है, एक छोटा सा मिनी पैराग्राफ, जैसे 2 पैराग्राफ कर लीजिए। सबसे पहले देखिए ये सिलेबस से कहां से आता है, देखिए कैसे सिलेबस से पिक किया गया, सिलेबस में थीम था पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस, तो वहां से आपको जो है डिफरेंट अप्रोच आपको पढ़ने, जिसमें सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडर्न अप्रोच है वो बिहेवियरल अप्रोच है, तो बस यहां से जो इन्होंने ये क्वेश्चन पिक कर लिया। तो पहले तो मैं आपको सब में बताऊंगा कि कहां, हर क्वेश्चन में बताऊंगा कि सिलेबस के किस थीम से इन्होंने पिक किया है। फिर आइए क्वेश्चन, बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, ये उसकी जो है मेन थीम है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। हम सबको पता होना चाहिए कि बिहेवियरल अप्रोच जो है 1950s में केवल पॉलिटिकल साइंस में ही नहीं आया, सभी सोशल साइंस को इसने मतलब एक तरह से अफेक्ट किया, पूरे मतलब एक तरह से रिवॉल्यूशन था, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन कह लीजिए पूरे सोशल साइंस के लिए। और ये था क्या, बेसिकली क्या था ये था कि ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली और क्वांटिफाइंग वे में ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, मतलब साइंटिफिक वे में, और फिर उस बेसिस पे वो जो ह्यूमन बिहेवियर को हमने ऑब्जर्व किया, क्वांटिफाई किया, क्लासिफाई किया, एनालाइज किया, और उस बेसिस पे हम पॉलिटिकल फिनोमेना को समझने की यदि कोशिश करते हैं तो ये बिहेवियरलिज्म, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को एक यूनिट ऑफ एनालिसिस मान करके कैसे हम पॉलिटिकल फिनोमेना को समझ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, दैट इज बिहेवियरल अप्रोचिंग। लेकिन ये जो ह्यूमन बिहेवियर को जो एनालाइज करना था या ऑब्जर्व करना था, ये साइंटिफिक एंड क्वांटिफाइड वे में करना था, ये कोई नॉर्मेटिव वे में नहीं, मतलब आपको कॉपी कलम ले करके ऑब्जर्व करना है, उसको लिखना है, डेटा चार्ट बनाना है, पाई चार्ट, दिस दैट, क्वांटिफिकेशन वे में, और उसके बेसिस पे आपको साइंटिफिक वे में जो है वो हाइपोथेसिस को लाना है और फिर उसको टेस्ट करना है, टेस्टेबल हाइपोथेसिस बनाना है। सो इट वॉज सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स, क्वांटिफिकेशन, फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन भी कह लीजिए, एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग भी। इस सुन के आपको लगता होगा कि कोई केमिस्ट्री फिजिक्स की लेबोरेटरी में काम हो रहा है, एक्चुअली यही था, क्योंकि उस समय में ये था कि इंटीग्रेट कर दिया जाए नेचुरल साइंस और सोशल साइंस को, जिस तरीके से हम नेचुरल साइंस को हम फैक्ट ऑब्जर्वेशन क्वांटिफाइड वे में एनालिसिस एक्सपेरिमेंट करके और हाइपोथेसिस को साइंटिफिक वे में लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, वैसे ही हम पॉलिटिकल या सोशल फिनोमेना को भी जो है ह्यूमन बिहेवियर के क्वांटिफाइड ऑब्जर्वेशन स्टडी से हम टेस्टेबल हाइपोथेसिस लेबोरेटरी जैसे कंडीशन में टेस्ट कर सकते हैं और एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस को थ्योरी बना सकते हैं जो कि साइंटिफिक होगा। तो ये बेसिकली जो है इंपेरिकल एंड पॉजिटिविस्ट अप्रोच था। यदि इंपेरिकल अप्रोच देखें तो यहां मैंने दिया है पिलर जो बिहेवियरलिज्म के हैं, इंपेरिसिज्म का मतलब होता है इम्फेसिस होता है इसमें फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन मेजरेबल डेटा पे, इंपेरिसिज्म इंपेरिकल जो मेजर किया सके मेजरेबल डेटा। पॉजिटिविज्म जो है एक तरह का फिलोसफिकल अप्रोच है जिसमें कि केवल वही ट्रूथ है जो हम अपने सेंस एक्सपीरियंस से जिसको महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको हम खुद ही टेस्ट कर सकते हैं अपने सेंस एक्सपीरियंस से। सो पॉजिटिविज्म फोकसेज ऑन इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक मेथड। तो ये जो मेथड था इंपेरिकल एंड पॉजिटिविस्ट अप्रोच, इसके दो पिलर कहे जा सकते हैं बिहेवियरल अप्रोच के। और ये जो है साइंटिफिक अप्रोच था, मतलब साइंटिफिक वे में टेस्टेबल हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस को पहले लाना, मतलब हाइपोथेसिस मतलब क्या है, एक प्रोबेबल थ्योरी, और उसको फिर साइंटिफिक वे में टेस्ट करके और उसको थ्योरी बनाना। एंड यहाँ पे ये भी था कि जो फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन हम ह्यूमन बिहेवियर का कर रहे हैं जो सोशल साइंटिस्ट, उनको अपने वैल्यू से फैक्ट को मिक्स नहीं करना, अपनी वैल्यू, आप क्रिश्चियन हो,
आप एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हो, उन सब को ताक पे रखिए और आप एकदम निरपेक्ष होकर न्यूट्रल वे में ह्यूमन बिहेवियर को, किसी दूसरे कल्चर का आप देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो उसको जो है निरपेक्ष होकर के, न्यूट्रल होकर के ऑब्जर्वेशन कीजिए। द वैल्यू और फैक्ट को सेपरेट रखिए। वैल्यू फैक्ट सेपरेशन इज अ की थीम ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच। इसके अलावा इट वॉज एन अटेम्प्ट टू मेक प्योर साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, जैसा मैंने कहा कि इसको नेचुरल साइंस से इंटीग्रेट करने का एक प्रयास था। यदि पिलर्स देखें, जैसे मैंने बताया, मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, इम्पेरिसिज्म और पॉजिटिविज्म के दो पिलर पे ये था। इसके अलावा ये साइंटिफिक मेथड यूज करता है, तीसरी बार कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटेशन है, टेस्टिंग है, टेस्टेबल हाइपोथेसिस है, एंड फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ऑफकोर्स जो ये फोकस है ये शिफ्ट हो गया। पहले देखिए, नॉर्मेटिव जब अप्रोच था तो फोकस जो है स्टेट और उसके इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक्चर्स पे था। अब जो है फोकस जो है इंडिविजुअल और ग्रुप के बिहेवियर पे हो गया है, वो यूनिट ऑफ एनालिसिस बन गया है। अब इसमें आप देखेंगे तो किस तरह के पॉलिटिकल फिनोमेना ज्यादा स्टडी किए जाने लगे, पॉलिटिकल पार्टी का, पार्टी इंटरेक्शन, वोटिंग बिहेवियर, जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनके क्या मोटिव्स होते हैं, हाउ दे बिहेव, कैसे वो डिसीजन लेते हैं, जैसे रैशनल चॉइस थ्योरी एंड इस टाइप की जो इसमें थिंकिंग साइकोलॉजिकल थ्योरी आ गई। इसके जो फादर हैं, यदि आप कहें बिहेवियरल अप्रोच के पॉलिटिकल साइंस में, तो चार्ल्स मेरियम को कहा जाता है, जिन्होंने 1925 में बुक लिखी थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इसके अलावा जो अदर कंट्रीब्यूटर हैं उसमें डेविड ईस्टन, ये सब चार्ल्स मेरियम के स्टूडेंट रहे हैं, डेविड ईस्टन जिन्होंने सिस्टम अप्रोच दिया, गैब्रियल एलमंड जिन्होंने सिविक कल्चर मतलब पॉलिटिकल कल्चर को स्टडी किया इंपेरिकल वे में, हर्बर्ट साइमन भी स्टूडेंट थे चार्ल्स मेरियम के, उन्होंने रैशनल चॉइस अप्रोच अपनाया डिसीजन मेकिंग के लिए, एंथनी डॉन्स ने जो है रैशनल चॉइस थ्योरी से डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश की, और हैरल्ड लैसवेल ने जो है पॉलिसी साइंस एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश की ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू। डेविड ईस्टन ने जो है बिहेवियरलिज्म के 8 कैरेक्टरिस्टिक दिए थे, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, वैसे इसको एक्सप्लेन करने का टाइम आपको 150 वर्ड में नहीं मिलेगा। मतलब इसमें बेसिकली जो है रेगुलरिटी होनी चाहिए, मतलब कि आप जो भी हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं थ्योरी, वो कहीं भी यदि आप ले जाएं तो वो वहां पे वही रिजल्ट दे, वहां वो लागू हो। रेगुलरिटीज का ये मतलब होता है वेरिफिकेशन होना चाहिए, साइंटिफिक वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर टेक्निक यूज करनी है जो जो कि एकदम इन्यूमरेटेड होनी चाहिए, मोस्टली वो क्वांटिफाइड टेक्निक थी, क्वांटिफिकेशन था, इंपेरिकल एंड पॉजिटिविस्ट था, क्वांटिफिकेशन उसका पार्ट है ही। वैल्यूज को आपको छोड़ना नहीं है, केवल फैक्ट एंड वैल्यू को सेपरेट करनी है, एंड ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए कि पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि हैपजर्ड वे में। एंड इट वॉज प्योर साइंस, इट वॉज अटेम्प्ट टू मेक सोशल साइंस एज ए साइंस। एंड इंटीग्रेशन है कई, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब कई होता है कि एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, कई डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करना है, और कई स्टेजेस को और कई आइडियाज को इंटीग्रेट करके, इट वॉज एन इंटीग्रेटिव अप्रोच, नॉट फ्रेगमेंटेड अप्रोच। सो दीज वेर 8 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरलिज्म। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसमें 5 आपको सब क्वेश्चन होते हैं, उस पर 150 वर्ड में आपको लिखनी होती है, वो मैं कर रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है, उसमें 1B कह लीजिए इसको, ऐसा ही कहा गया है, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, प्लूरल थ्योरी ऑफ स्टेट आप कह सकते हैं, प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का जो मीनिंग है, अब देखिए पहले तो सिलेबस में कहाँ से लिया, आप देखिए यहाँ पे है थ्योरीज ऑफ स्टेट, तो लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट थ्योरी, तो सीधा सिलेबस से यहाँ पिकअप किया गया है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। इसका जो मेन पॉइंट ये है कि स्टेट क्या है, वो तो चलिए एक पॉलिटिकल इंटिटी है जो जिसकी एक फिक्स्ड जो है टेरिटरी होती है, मतलब बॉर्डर उसकी फिक्स है, नोन है, उसका उसके अंदर में फिक्स्ड पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन के ऊपर जो है स्टेट की पूरी सॉवरेंटी है, ना ही केवल इंटरनल सॉवरेंटी बट एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी कोई उससे ऊपर की संस्था नहीं है, और वहां पे एक गवर्नमेंट है जो चीजों को मैनेज करती है स्टेट के बिहाफ में, दैट इज ए स्टेट, एक टेरिटोरियल सॉवरेन एंटिटी बेसिकली। तो इसकी जो थ्योरी है वो प्लूरलिस्ट थ्योरी को समझने के पहले आपको मोनिस्टिक थ्योरी समझना पड़ेगा, जिसमें कि जो जीन बोदी लेके आते हैं या जॉन ऑस्टिन लेके आते हैं, इवन हॉब्स लेकर के आते हैं, वहां पे ये माना जाता है कि जो सॉवरेंटी है स्टेट की वो एक पर्टिकुलर जो है एक इंटिटी में निहित है, जो स्टेट की सॉवरेंटी को धारण करता है वो उसका सॉवरेन कहलाता है, जैसे कि जैसे लेवाइथन कहा हॉब्स ने,
या कोई भी एक संस्था जो जैसे इंडिया में आप देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सॉवरेन है, एक पर्टिकुलर टाइम में वो सॉवरेनिटी को धारण करती है। वैसे जो है डेमोक्रेसी में माना जाता है कि पीपल सॉवरेन होते हैं, लेकिन हम अपनी सॉवरेनिटी को एक पर्टिकुलर टाइम में गवर्नमेंट को कुछ समय के लिए देते हैं जब तक कि वो सॉवरेनिटी, अदरवाइज अल्टीमेट सॉवरेनिटी जो है पीपल के पास डेमोक्रेसी में रहती है। तो किसके पास रहती है? तो मोनिस्टिक थ्योरी ये कहता है कि सॉवरेन जो है वो एक डिटर्मिनेट इंटिटी होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सॉवरेनिटी इधर उधर बिखरी रहती है, एक पर्टिकुलर आप डेजिग्नेट कर सकते हो कि ये सॉवरेन है इस स्टेट में। उस थ्योरी को प्लुरलिस्ट थ्योरी सीधा काटती है, ये कहती है कि नो, ऐसा कुछ नहीं है कि एक एंटिटी में जो है सॉवरेनिटी स्टेट की निहित रहती है। सॉवरेनिटी या पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वेरियस ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे ग्रुप एंड कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है सॉवरेनिटी एंड पावर। इसके अलावा ये इलीट थ्योरी को भी सीधा चैलेंज करता है। इलीट थ्योरी कहती है कि एक्चुअल में जो समाज होता है वो इलीट और मास, इलीट बहुत थोड़े से माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बहुत ही वेल इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, और मास जो है वो टीमिंग मासेस रेस्ट, मतलब कि 99% या 99.99% जो है मास और 0.001% जो है इलीट होते हैं, और एक्चुअल जो जो सॉवरेंटी को जो इंजॉय करते हैं या स्टेट पावर जिसमें निहित होती है वो इलीट्स में होती है। इस थ्योरी को भी जो है पुलिस थ्योरी चैलेंज करता है कि नो, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशन में पावर एंड सॉवरेंटी बिखरी रहती है। तो इससे क्या होगी कि जो डिसीजन मेकिंग है, द सॉवरेन कोई एक है लवाइथन जैसा हॉब्स का, तो वो तुरंत कोई डिसीजन ले सकता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसको कानून भी रोकने वाला नहीं है। लेकिन यदि इस तरह का व्यू लिया जाए कि जो पावर है वो बिखरी हुई है पूरे समाज में डिफरेंट ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटीज में, तो वहाँ बार्गेनिंग एंड कम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान नहीं होगा, इट विल इन्वॉल्व निगोसिएशन एंड बार्गेनिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। जो ग्रुप क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंटरेस्ट एंड प्रेशर ग्रुप हैं, कॉरपोरेशंस हैं एंड सोशल मूवमेंट्स एंड सिविल सोसाइटीज एंड ऑल हैं, तो उन सब के बीच में बार्गेनिंग एंड कम्प्रोमाइज होगी और डिसीजन मेकिंग बहुत स्लगिश हो सकती है, और स्टेट की जो अथॉरिटी है वो कंस्ट्रेन होगी, लिमिटेड होगी, क्योंकि स्टेट जो है एकमात्र सॉवरेनिटी को धारण करने वाला एंटिटी नहीं है जैसे मोनिस्टिक थ्योरी जो कहता है। तो यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस होंगे, मतलब कि स्टेट आर्बिट्रेरी नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता है। और कई लोग प्लुरलिस्ट थ्योरी थिंकर कहते हैं कि स्टेट इज नथिंग बट एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन बहुत सारे एसोसिएशन का एक एसोसिएशन है। कई लोग जैसे आरएम मैकलीवर जैसे लोग ये भी कहते हैं कि स्टेट इज वन अमॉन्ग मेनी एसोसिएशन, ये भी एक एसोसिएशन है, इट इज नथिंग डिफरेंट, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, सिविल सोसाइटी हैं, सोशल मूवमेंट्स हैं, उसी तरह का एक पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है स्टेट है, उसके पास भी ताकत है, लेकिन वही ताकत केवल नहीं है, सब में बटी हुई है। स्टेट जो है प्लुरलिस्ट थ्योरी में एक न्यूट्रल रेफरी की तरह भी बिहेव करता है, जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप जो होते हैं या एसोसिएशन ग्रुप उनके बीच में वो एक तरह का मेडिएट करता है, उनके इंटरेस्ट को रिकनसाइल करने की कोशिश करता है थ्रू बार्गेनिंग एंड कम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको अमेरिका दिखेगा, अमेरिका की जो पॉलिटी है वो टिपिकल एक प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट को जो है वो डिनोट करती है, लेकिन कई डेमोक्रेसी में खास करके जो ज़्यादा ऑथोरिटेरियन टाइप के लाइक एशियन डेमोक्रेसी, साउथ एशियन, अफ्रीकन, वहाँ पे आपको प्लुरलिस्ट थ्योरी नहीं दिखेगी, वहाँ पे आपको मोनिस्टिक थ्योरी ज़्यादा दिखेगी। इसके जो मेजर प्रोपोनेंट हैं रॉबर्ट डहल है, जिन्होंने की एक बुक लिखी थी पॉलीआर्ची, जो कि एकदम बिल्कुल इसको बताता है कि क्या है पॉलीआर्ची, मतलब एक इंडिविजुअल जो डेमोक्रेसी में जो जुड़ते हैं वो केवल एज ए वोटर या इंडिविजुअल नहीं जुड़ता है, वो अपने ग्रुप के मेंबर के तौर पे भी जुड़ता है, एंड पावर जो एक्सरसाइज करता है एज ए सिटीजन भी करता है और एज ए मेंबर ऑफ द ग्रुप भी करता है, पॉलीआर्ची। आरएम मैकलीवर जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि स्टेट इज वन अमंग मेनी एसोसिएशंस, डेविड ट्रूमैन हैं, हैरोल्ड लास्की हैं, सेमर मार्टिन लिप्सेट हैं, तो इन सबको याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं आप। इसकी जो क्रिटिसिज्म होती है डेफिनेटली ये कहा जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चरल फैक्टर है, स्ट्रक्चरल फैक्टर क्या होती है, जैसे समाज में जो ऊंच नीच है, इनइक्वलिटी है, जैसे कास्ट सिस्टम है, अमीर गरीब के बीच में खाई है, इलीट मास डिवीजन है, उसको या सोशल हायरार्कीज है, उसको ये नेग्लेक्ट कर देता है, ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, एकदम बिल्कुल सभी ग्रुप और कम्युनिटीज इक्वल हैं और सब पावर के लिए जो है चेक एंड बैलेंस है और सब वाई कर रहे हैं पावर के लिए, ऐसा नहीं है, वो सब कंस्ट्रेन होते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर से। इसके अलावा ये लगता है कि ओवर इम्फेसिस कंसेंसस पे देता है कि सब मिलजुल करके डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है, जब सोशल स्ट्रक्चर
इनइक्वल होगा, सोशल हेरार्की होगी, तो जिसकी जिसकी वर्चस्व होगा, जो जो जिसकी ताकत होगी उसकी डिसीजन चलती है, बेसिकली पावर कुछ ही लोग विल्ड करते हैं। एंड ये यदि ऐसा माना जाए तो ये बहुत ही फ्रेगमेंटेड पॉलिटी होगी, क्योंकि डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा, पावर यदि इस तरह से बिखरी होगी तो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी होगी, इनस्टेबिलिटी भी हो सकती है, गवर्नमेंट जाएगी दूसरी आएगी लाइक दैट, एंड गवर्नेंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर कोई डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, आप सभी ग्रुप एंड कम्युनिटीज को जो है आप साथ लेके चलो तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये सब जो है आप रूल्स थ्योरी ऑफ स्टेट में लिख सकते हो, इतना भी यदि आपने लिख दिया दो पैराग्राफ में तो बहुत अच्छा है। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1C, जॉन लॉक्स व्यू ऑन रिवॉल्यूशन। ये है क्वेश्चन, जस्ट इस फ्रेजेज है, मतलब आपको इस फ्रेज पे जो है बस लिखनी है पैराग्राफ। यहां देखिए कहां से लिया है, सिलेबस में थीम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो, एरिस्टोटल, ब्लाबला, यहां पे लॉक आते हैं, तो बस सीधा लॉक के आपको चूंकि थ्योरी पढ़नी है, और यदि आप लॉक के थॉट को पढ़ेंगे तो आप उसके रिवॉल्यूशन के व्यू को बिना पढ़े आप कंप्लीट है ही नहीं, इसलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। बेसिकली जॉन लॉक का क्या कहना था, उनका ये कहना था कि जो जो ये पूरा स्टेट एंड गवर्नमेंट है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कहा था कि दो स्टेप में होती है, फर्स्ट स्टेप में स्टेट ऑफ नेचर से इंडिविजुअल निकलते हैं और एक कॉमनवेल्थ बनाते हैं, सिविल सोसाइटी बनाते हैं या पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाते हैं, सबको उन्होंने एक ही कहा था, और उसको आप समझ सकते हैं कि एक सॉवरेन पॉलिटिकल कम्युनिटी बनती है, स्टेट भी कह सकते हैं आप उसको, वो फर्स्ट स्टेप में बनता है, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो इरिवर्सिबल है, मतलब वो टूटता नहीं है, लेकिन सेकेंड एक फिर स्टेप में एक कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फर्स्ट स्टेप कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है एक्सप्रेस कॉन्सेंट से, सब लोग समझिए कि एक जगह खड़े हुए हाथ उठा के उन्होंने कहा या लिख के दिया कि यस आई हेयर बाय इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा इमेजिनरी कह लीजिए, एक्सप्रेस कॉन्सेंट से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप कॉन्ट्रैक्ट एक मेजोरिटी वोट से होता है, वहां पे कोई सब की कंसेंसस नहीं चाहिए, और उससे जो है सेकेंड स्टेप में वो गवर्नमेंट चुनते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जो कि उनके सॉवरेंटी को कुछ समय के लिए धारण कर पाए और राजकाज जो है चला पाए, कानून बना सके। तो ये जो गवर्नमेंट, देयरफॉर जो मैंने लाइन लिखा है, गवर्नमेंट इज द आउटकम ऑफ द सेकेंड स्टेप सोशल कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिवर्सिबल। अब यहां पे देखिए यहीं से निकलता है इनका व्यू ऑन रिवॉल्यूशन कि ये जो सेकेंड स्टेप कॉन्ट्रैक्ट है जॉन लॉक का, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल नहीं है। इसका रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि ये बेस्ड है, ये कंडीशनल है, ये कॉन्ट्रैक्ट ये बेस्ड है कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तब तक ही लेजिटिमेट है जब तक कि जिस पर वो शासन कर रही है वो उसको शासन करने देने के लिए अपनी सहमति देते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो कोई आर्बिट्री शासन नहीं है, वो ट्रस्टी थ्योरी के तहत शासन करती है, एक फिडिशियरी ट्रस्ट है, मतलब कि पीपल के ट्रस्ट को होल्ड करती है गवर्नमेंट, और सॉवरेंटी भी पीपल के सॉवरेंटी को लेती है, पीपल सॉवरेन है, उसकी सॉवरेंटी को हम थोड़ी देर के लिए देते हैं। इस मायने में एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलती है, रूल ऑफ लॉ से, मतलब खूंटे से बंधी हुई सरकार होती है गवर्नमेंट, ऐसे जैसे गाय खूंटे से बंधी होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसके खूंटे से बंधी रहती है, लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट होती है। एंड गवर्नमेंट बनाई ही जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हुआ ही है कि इट शुड प्रोटेक्ट एंड फर्दर द नेचुरल राइट ऑफ द इंडिविजुअल, जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी है उसको रक्षा करे, उसको और बढ़ाए, उसको मतलब शांति व्यवस्था और ऐसा मैनेज करे लाइफ को कि पीसफुल वे में हम अपने राइट को इंजॉय कर पाए। लेकिन यदि ये सब नहीं होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को धता बताए, आर्बिट्ररी बिहेव करे, टिरेनिकल बिहेव करे और फेल टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट, तो पीपल को पूरा हक है कि अपनी सॉवरेंटी को वापस ले लें, गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दें और फिर एक नया गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो रिवर्सिबल है। ये जो स्टेप है जहां पे कि पीपल सीधा सामने आती है और गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके नई गवर्नमेंट बनाती है, दिस इज रिवोल्यूशन एज पर लॉक, एंड पीपल हैव गॉट द राइट टू रिवोल्ट। क्या कंडीशन है कि गवर्नमेंट जो है आर्बिट्ररी एक्ट करे, सबसे पहला कंडीशन है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो ना करें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करें, और या दूसरा कंडीशन है कि इट फेल्स टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट, आपके नेचुरल अधिकार को नहीं रक्षा कर पाती है, या तीसरा है कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करती है, जो आपने ट्रस्ट जो सौंपा था ये गवर्नमेंट, दैट बिकम्स टिरेनिकल, अब्यूजिंग इट्स पावर एंड ऑपरेसिंग सिटीजन, सिटीजन को सताने लगे, और तो आप अपने कॉन्सेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, देर इज नो कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कॉन्सेंट हटा लिया, आपने विड्रॉ कर लिया, आपकी लेजिटिमेसी खत्म हो गई, गवर्नमेंट चली गई। एंड कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए, नहीं कि चार लोग मिल करके बोले हम सरकार हटाएंगे, एक पूरा एक कंसेंसस टाइप का डेवलप पीपल में होना चाहिए एज ए होल कलेक्टिव कि हमें ये गवर्नमेंट को हटाना है।
एंड इसका जो जो स्टेप है, पहले आप रजिस्टर कीजिए, यदि कोई टिरेनिकल मूव है या आर्बिट्री मूव है तो आप उसको रोड पे निकल करके आप उसको एक तरह से आंदोलन कीजिए, फिर उसके बाद आप कोशिश कीजिए रिफॉर्म करने का कि वो लॉ वापस हो जाए, वो चेंज हो जाए। यदि इसके बाद गवर्नमेंट नहीं मानती है तो रिवोल्ट करने का अधिकार पीपल को है और गवर्नमेंट को हटा देने का अधिकार है। इसका जो इन्फ्लुएंस है बहुत ही मेजर वर्ल्ड पे पड़ा, क्योंकि जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुए और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और दोनों में एक डिक्लेरेशन आती है ह्यूमन राइट्स की या फंडामेंटल राइट की, वो दोनों लॉक के इस राइट टू रिवॉल्यूशन पे थे, जिसमें कि ये माना गया कि पीपल को जो है अधिकार है राइट टू रिवोल्ट, और जो गवर्नमेंट है वो बाय कॉन्सेंट ही चलेगी। जब तक कॉन्सेंट है जिस पर आप रूल कर रहे हो तभी तक गवर्नमेंट है, अदरवाइज गवर्नमेंट इलिजिटिमेट है, और इलिजिटिमेट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का अधिकार जनता को है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी यही बात आई, इट सेव द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। इसके अलावा इसने रिजेक्ट किया डायरेक्टली एब्सोल्यूटिज्म, जो उस समय में जैसे हॉब्स की एब्सोल्यूटिज्म थी या जो डिवाइन राइट थ्योरी था रूल करने का राजाओं का, उसको इसने सीधा उखाड़ के फेंक दिया और ये कहा कि नहीं, जो गवर्नमेंट है, जो रूलर हैं, वो कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नमेंट से लेजिटिमेसी पाते हैं और वो अनलिमिटेड पावर ये नहीं है उनके पास में, आर्बिट्ररी पावर नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है, उनको केवल उतना ही पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और यदि उससे वो अलग हट करके काम करते हैं तो वो आर्बिट्ररी रूल करते हैं और गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है। इसने पॉपुलर सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट को भी एक बल दिया कि जो जो एक्चुअल सॉवरेन है वो पीपल हैं और गवर्नमेंट वो सॉवरेंटी को एक ट्रस्टी के रूप में धारण करती है और कभी भी पीपल वो सॉवरेंटी वापस ले सकते हैं सरकार से। पीपल जो है मास्टर हैं और गवर्नमेंट जो है सर्वेंट है, टू सर्व द पीपल, ये भी इसी से आई कि सरकार हमारी जो है नौकर है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस जो हेनरी डेविड थ्यूरो ने बाद में दिया 150 साल बाद, वो भी इसी से आती है कि सिविल डिसोबीडियंस क्या है, कि हम अपने कॉन्सेंट को वापस ले सकते हैं शांति से, कि हम आपके सरकार को नहीं मानते हैं। और यही कॉन्सेप्ट जो है गांधी जी ने यूज किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थ्यूरो के। इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन राइट्स, कलेक्टिव एक्शन एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन टू अपहोल्ड जस्टिस, और सड़क पे आ करके जो गांधी जी कहते थे कि जनता तभी तक जीवित है जब तक कि वो सरकार के आर्बिट्री एक्शन को अपोज करने के लिए सड़क पे उतरती है, तो वही जीवित कौम होता है। तो ये इस क्योंकि हमें हमारी वो एक जिम्मेदारी है कि हम जो है सरकार को आर्बिट्ररी नहीं होने दें डेमोक्रेसी में। इसके क्रिटिसिज्म और चैलेंज भी इसके किए गए हैं कि बहुत सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, कौन डिटरमिन करेगा किस बेसिस पे कि गवर्नमेंट ने ब्रीच किया है ट्रस्ट को, बड़ा ये सब बहुत नॉर्मेटिव लगता है। एंड पोटेंशियल फॉर एब्यूज है, कोई भी जो है आंदोलन जीवी जिसको कह सकते हैं किसी बात पे आंदोलन करेगा तो सरकार कैसे चलेगी, मतलब गवर्नेंस इतना डिफिकल्ट हो जाएगी, बात बात पे जनता जो है सड़क पे आ जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, और कोई पॉलिटिकल गेन के लिए भी जो है रिवॉल्यूशन सरकार के अगेंस्ट कर सकता है। इसलिए स्टेबिलिटी को काफी इफेक्ट करता है कि कैसे जो है सरकार चलाएगी। यही चीज जो है जब जयप्रकाश नारायण ने वो उस तरह का किया जैसे यहाँ पे अभी कह रहे हैं, तो इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। किसान लोग जब ये आंदोलन कर रहे तो दिल्ली ने देखा क्या हुई और गवर्नमेंट को भी कई कड़े जो है रुख अपनाने पड़े, उस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आर्बिट्ररी, मतलब बहुत ही सब्जेक्टिव है, नॉट आर्बिट्ररी, बहुत सब्जेक्टिव है कि क्या लिमिट है जहाँ पे कि जनता को ये अधिकार है कि वो सड़क पे उतरे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह करे या रिवोल्ट करे। ये एक है इसका इशू इस जॉन लॉक के व्यू का, लेकिन ये जो जिस बात को ये अंडरलाइन करती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली आइए, सॉरी ये तो ई होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई थिंक ये जो है फोर्थ क्वेश्चन है, देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, यस, तो ये डी होगा, सॉरी ए बी सी डी। ये है डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म, कहां से ये लिया गया है जरा देखिए। सिलेबस की थीम है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म, फेमिनिज्म, तो लिबरलिज्म से सीधा ले लिया। यदि आप लिबरलिज्म पढ़ेंगे तो ये आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा कि कंटेम्प्रेरी टाइम में लिबरलिज्म को क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं, और ये जो चैलेंजेस हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं अभी के कंटेम्प्रेरी पॉलिटी को एक डोमेस्टिक एरिना में और ग्लोबल एरिना में समझने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड के और कंट्री के बहुत सारे जो इश्यूज हैं इसी चैलेंज से जुड़े हुए हैं। लेट अस सी दिस। लिबरलिज्म आपको पता है कि 17th सेंचुरी में हॉब्स और फिर 18th सेंचुरी लॉक, रूसो, इन सब के थॉट से इमैनुअल कांत और फिर जॉन रॉल, टी एच ग्रीन और बड़े बड़े थिंकर्स ने जो है
इस आइडियोलॉजी को स्थापित किया। लिबरलिज्म इस बेसिस पे आई कि इंडिविजुअल ऑटोनोमस हैं, उनको इंडिविजुअल को अपनी ऑटोनॉमी है अपने लाइफ चॉइसेस को डिसाइड करने का, उनके कुछ नेचुरल राइट है जिसको स्टेट नहीं छीन सकती है। स्टेट और गवर्नमेंट जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई दैवी नहीं है और उसके लिमिटेड जो है अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी हुई है। देयर शुड बी ए काइंड ऑफ समाज जो है वो डाइवर्सिटी वाले यदि है तो उसमें एक टॉलरेशन होना चाहिए, मल्टीकल्चरलिज्म होनी चाहिए, माइनॉरिटी राइट होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी, सबको फ्रीडम होगी प्रॉपर्टी की तो फ्री मार्केट इकोनॉमी होगा, ट्रेड होगा एंड इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट एंड इसको इज्जत की जाएगी। इस बेसिस पे जो समाज बना, मतलब आप एक कह सकते हो लिबरल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, वो लिबरलिज्म का एक सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट था। लिबरलिज्म को चैलेंज मिला फासिज्म से वर्ल्ड वॉर वन और टू के बीच में और वो हारती हुई नजर आई, जो कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म पे और लॉयल्टी टू द नेशन और एक तरह कंजर्वेटिव थॉट पे बेस्ड था, कल्चरल कॉन्सेप्ट था एंड ऑल। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के साथ ही जो है फासिज्म वैंक्यूस हो जाती है, लेकिन फिर इसको चैलेंज मिलता है सोशलिज्म और कम्युनिज्म से, जो एकदम एक लड़ाई करती है अगले 50 सालों तक कोल्ड वॉर के दौरान, लेकिन यूएसएसआर के ढहने के साथ में जो है सोशलिज्म भी हार जाती है लिबरलिज्म से, जिसको कि फ्रांसिस फुकुआमा ने एंड ऑफ हिस्ट्री कहा, मतलब कि लिबरलिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है जीत गई। बस यही है, वो मिल गया हमें एलिक्सिर सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट का, जिसको फॉलो करके ह्यूमन सबसे अच्छी जीवन जी सकता है। दिस इज लिबरलिज्म। लेकिन क्या ऐसा हुआ क्या कि जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो लिबरलिज्म चैंपियन हो गया? एक समय तो ऐसा लगा कि यूएस लिबरलिज्म का चैंपियन बना, नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन हुआ और इवन रसिया और चाइना जैसे कंट्री ने जो है नियो लिबरलिज्म को अपना लिया, कैपिटलिज्म को अपना लिया। पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आईएमएफ ने जो है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम चलाया वॉशिंगटन कंसेंसस के अनुसार और नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन ने पूरे दुनिया को ढक लिया। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि लिबरलिज्म जो है चैंपियन बना रहा? नहीं, उसको बहुत ज्यादा अभी चैलेंजेस मिल रहे हैं। क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं और क्या डिक्लाइन हो रहे हैं लिबरलिज्म का, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। प्रॉब्लम क्या हुई कि लिबरलिज्म में कुछ ऐसी बातें इनहेरेंट कंट्राडिक्शन की थी जो कि लिबरलिज्म को बहुत कमजोर करती है अंदर से। जैसे कुछ चीजों को देखिए, इनहेरेंट वीकनेसेज एंड कंट्राडिक्शन। पहला है कि इसमें जो कॉन्सेप्शन है फंडामेंटल, जो फाउंडेशनल वैल्यूज लिबर्टी इक्वलिटी राइट का, सब निगेटिव है, कोई अच्छा नहीं है। निगेटिव मतलब नॉट गुड। निगेटिव लिबर्टी कॉन्सेप्ट है कि स्टेट कुछ नहीं करेगा, मतलब आपको जो मर्जी वो करने देगा। तो भाई जिसको करने की कैपेबिलिटी है वही करेगा ना। मैं हमेशा कहता हूं, जो इसे आप बर्लिन भी कहते हैं, जो ब्रिज के नीचे दिल्ली में लोग सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, उनको क्या निगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि वो मॉल में जा सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, ऐसा कोई मीनिंग है क्या? तो निगेटिव लिबर्टी जो है वो हैब्स के लिए केवल रहा, एट द कॉस्ट ऑफ हैव नॉट्स। इसके अलावा जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था कि स्टेट कुछ नहीं करेगी, लेसेज फेयर स्टेट रहेगी, मतलब ना उधो का लेना ना माधो का देना, मतलब चुपचाप देखती रहेगी, तो वो किस तो जो जिसको जो मर्जी आगे करेगी, जो कमजोर लोग हैं, जो अपाहिज हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए कौन है? सो लिमिटेड एंड निगेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट। इक्वलिटी में इनका कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो भी एक तरह का लिप सर्विस है इक्वलिटी के लिए, कि हम सबको समान अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड सोशल इनइक्वलिटी है, जो पहले से कोई दलित घर में पैदा हुआ, आप उसको समान अपॉर्चुनिटी कैसे देंगे जब तक आप एफर्मेटिव एक्शन नहीं लाएंगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे? इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी क्या मीनिंग होता है? जैसे मैं कहता हूं कि आप 10 लोगों को दौड़ने के लिए बोले और 5 के पैर में जूते नहीं है क्योंकि इतना गरीब है, और आप बोलेंगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है भाई, जिसको जूता पहनना है पहनो, जिसको नहीं पहनना है मत पहनो, क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है? तो इस तरह कॉन्सेप्ट जो है लिबरलिज्म को कमजोर बनाते हैं। इसके अलावा जो फेमिनिस्ट कहती हैं कि इनके जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो तो टू डायमेंशनल है। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट कहती है पब्लिक स्फेयर में अलग है, प्राइवेट स्फेयर में अलग है। लिबरल जो थिंकर हैं वो लड़ते हैं पब्लिक स्फेयर में एरिस्टोक्रैट कम्युनिटी से, जो लैंडेड जेंट्री थे, कि हमको इक्वल राइट चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट चाहिए, वोटिंग राइट चाहिए, ब्ला ब्ला। लेकिन घर में जो है वही मर्द आकर के बोलते हैं कि यहाँ पे कोई अधिकार इक्वल नहीं चलेगा, यहाँ पे औरतों को कोई अधिकार नहीं है, यहाँ मेल का राज चलेगा, मेल का इनहेरिटेंस रूल होगा, प्रॉपर्टी राइट्स होगा एंड ऑल। तो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक जो डोमेन में आधी आबादी को आपने राइट से वंचित किया, ये लिबरलिज्म इसका मूक दर्शक रहा। इसके अलावा न्याय की जब बात करते हैं तो आप प्रोसीजरल जस्टिस की बात करते हो, ना कि
एक्चुअल जो न्याय, जिसको रियलाइज जस्टिस बोलते हैं, जो अमृत सेन कहते हैं कि लिबरल डेमोक्रेसी या लिबरलिज्म जो है बेसिकली वो नीति की बात करता है, जस्ट रूल एंड प्रोसीजरल प्रोप्राइटी, दैट्स ऑल। जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसको न्याय कहते हैं, जस्टिस रियलाइज, उस पर कम फोकस है। और इनके इसके अलावा इनकी जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है लिबरलिज्म का, वो नेशन के बाउंड्री से टकरा के लौट जाता है। ग्लोबल लेवल पे कोई जस्टिस नहीं है। इवन रॉल कहते हैं ग्लोबल लेवल पे जस्टिस नहीं हो सकती है, जस्टिस जो है डिफरेंस प्रिंसिपल जो है वो केवल नेशनल लेवल पे हो सकती है। इस तरीके से आप देखोगे तो कई मतलब इनके डिमेरिट हैं। इसके अलावा जो सी बी मैकफर्सन कहते हैं पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, मेटेरियलिज्म, मतलब ये थ्योरी शुरू से ये रही कि प्रॉपर्टी का राइट सबसे बड़ा राइट है, आप अपनी प्रॉपर्टी जुटा सकते हो। लॉक कहते हैं कि अपने लेबर को यदि आप नेचुरल इंटिटी में मिलाते हो तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। तो मतलब ये एक तरह का पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म को जो है सब अपनी प्रॉपर्टी और पोजिशन उसके पीछे लगे रहते हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इसके अलावा जो इंडिविजुअल राइट है उसको बहुत ऊपर रखा जाता है, सोसाइटल कॉमन गुड को नीचे रखा जाता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो कम्युनिटेरियन फीलिंग है सोसाइटी की, जो जो कॉमन गुड है वो आहत होती है, कलेक्टिवनेस जो है आहत होती है। इसका जो एसोसिएशन रहा है बहुत ही बैड रहा है, क्योंकि कॉलोनियलिज्म से जोड़ी गई है, जहां लॉक के राइट टू प्रॉपर्टी और रैशनलिज्म को जो है वो एक तरीके से जो 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 ये कहा गया कि हाँ कॉलोनियलिज्म सही है क्योंकि प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल जो है और सही ढंग से उसका इंडस्ट्रियस वे में उसका दोहन जो है कॉलोनियल पावर कर पाते हैं, लोकल पीपल नहीं कर पाते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो कॉलोनियलिज्म के साथ, सॉरी लिबरलिज्म जो है कॉलोनियलिज्म के साथ जोड़ी गई, रेसिज्म के साथ जोड़ी गई। अभी तक रेसिज्म जो है लिबरल कंट्रीज में फेस, चाहे जर्मनी हो चाहे वो अमेरिका हो, वहाँ पे रेसिज्म है। और कल्चरल हेजेमनी तो है ही, कॉलोनिज्म में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है इंग्लिश ने अपनी कल्चर को थोपने की कोशिश की अपने कॉलोनीज में, इसी तरह हर कॉलोनियल मास्टर ने अपने कल्चर की हेजेमनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कॉलोनीज में। इसके अलावा जेंडर जस्टिस तो कुछ है नहीं, आपने अभी देखा। इन्वायरमेंटल कंसर्न है जो लिबरल डेमोक्रेसी या लिबरल इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी ने जो है वो क्रिएट किया इन्वायरमेंट के साथ में। तो आज हमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी की ही देन मानी जाती है। इसके अलावा तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के बहुत सारे जो हैं इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस हैं जो अलग से डिस्कस किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन इट्सेल्फ जो है बहुत कंटेंसियस है, किसको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। कई बार फील होता है कि जो गरीब गुरुआ मार्जिनलाइज है उनको रिप्रेजेंटेशन लिबरल डेमोक्रेसी में नहीं मिलता है, एक लिप सर्विस देती है इलीट को, केवल जो है मौका मिलता है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन का और डिसीजन मेकिंग का, मास जो है बाईस्टैंडर ही रहते हैं। इसके अलावा जो है इसने जो वर्ल्ड बनाया है, जो लिबरलिज्म नहीं तो वर्ल्ड को दिया है न्यू लिबरल ग्लोबलाइज वर्ल्ड, वो हाईली हाईली इनइक्वल है, अमीर गरीब के बीच में खाई बढ़ती गई है और हाईली कॉन्फ्लिक्चुअल है। हम देख सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी मिडल ईस्ट में कैसे जो है वो लड़ रही है सभी कंट्री से, और कैसे जो है यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं, और कैसे जो ग्लोबल ऑर्डर है वो चुपचाप इसको बाईस्टैंडर की तरह देख रहा है, चाहे यूनाइटेड नेशन हो। इस टाइप की दुनिया लिबरल वर्ल्ड ने बनाई है। इसकी जो फोकस है ह्यूमन राइट पे या ह्यूमन सिक्योरिटी पे या ह्यूमन डेवलपमेंट पे, वो कई बार लगता है कि उसको टूल की तरह, इंस्ट्रूमेंट की तरह ये पावरफुल कंट्री यूज करते हैं, यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप, फॉर एस्टैब्लिशिंग और कंटिन्यूइंग द डोमिनेशन थर्ड वर्ल्ड पे। वो ह्यूमन राइट के नाम पे धमकाएंगे, इराक पे अटैक कर देंगे किसी भी बात के लिए क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट नहीं है, अपने यहाँ खुद जो है ह्यूमन राइट की वायलेशन करते हैं, लेकिन उसको एक टूल की तरह यूज करते हैं थर्ड वर्ल्ड को टेम करने के लिए। तो लिबरलिज्म की इतनी कंट्राडिक्शन है जो मैंने कहा, और भी आप जोड़ सकते हो कि इसका डिक्लाइन होना ही था। इसके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जो इसके डिक्लाइन के हैं, जैसे कि पूरे दुनिया में जो है पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म, राइट विंगिस्ट पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, वो उठती जा रही है। फार राइट, जिसको आप फासिज्म कह सकते हो, फासिज्म कहना चूंकि बुरा लगता है इसलिए आप लोग उसको फार राइट कहते हैं, लेकिन बेसिकली फासिज्म है, वो अपना फिर से जो है वो चार्मिंग बन रही है, जिसमें कि सन ऑफ द सॉयल, लोकल पीपल को लोकल रिसोर्सेज का फायदा पहुंचना, इमिग्रेशन पे बंदिश और नेशनल रिसोर्स, नेशनल के लोग, इन सब की बातें जो है नेशनलिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, उसकी बात जो है फिर से होने लगी है, और वो बहुत बड़ा एक चैलेंज बन के लिबरलिज्म के लिए आ रही है। इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन, जिस तरीके से नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन हुई है, उसकी जो बैकलैश है, जिसमें कि इनइक्वलिटी बढ़ी है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन हुआ है, लोकल कल्चर जो है थ्रेट फील करते हैं, तो वहाँ कल्चरल बैकलैश हो रही है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ी है, और क्लासेज जो है बिटवीन कल्चर
जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं टिंटन, वो बढ़ी है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है, जैसे डिजिटल रिवॉल्यूशन है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और खास करके सोशल मीडिया, उसने जो है एक अलग तरह की लोगों को आइडेंटिटी दी है, पावर दिया है, और वो अब डायरेक्टली जो लिबरलिज्म के ये सारे इश्यूज हैं उसको वो चैलेंज करते हैं और उसको डाइल्यूट करते हैं लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी को। मतलब कहीं ना कहीं लिबरलिज्म जो है वो इंटाइटल्ड हैब्स की एक छद्म काइंड ऑफ आइडियोलॉजी के तौर पे नजर आती है, जो कहता तो है, बात करता है इक्वल राइट्स की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की, जस्टिस की, हक की और टॉलरेशन का, लेकिन सब उसके अंदर सब काला है। बात करेगा टॉलरेशन की, लेकिन रेसिज्म एक्चुअली लिबरल कंट्रीज में होते हैं। बात करेगी राइट की, लेकिन वो गरीब, गुरुआ, मार्जिनलाइज और वुमेन को कोई राइट्स नहीं है। बात करेंगे सबको साथ ले चलने की, लेकिन इनइक्वलिटी बढ़ती जाएगी। बात करेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटी की, लेकिन वो फॉर्मल और झूठा अपॉर्चुनिटी होती है। बात करेंगे जस्टिस की, लेकिन ग्लोबल लेवल पे कोई जस्टिस नहीं है। तो इस तरह की जो एक शैम है वो अब सोशल मीडिया के थ्रू बस्ट हो रही है, पीपल उसको सीधा चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस भी बहुत भयानक हैं, क्योंकि ये दुनिया लिबरल दुनिया ने बनाई है, तो यदि उसकी आइडियोलॉजी हिलेगी तो पूरी दुनिया अनस्टेबल होती है। जैसे कि डेमोक्रेटिक नॉर्म जो है इसको यूज करके कि लिबरल डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, कई जगह ऑथोरिटेरियन जो मेंटेलिटी है वो उभर के आ जाती है। लोग जो है उसको यूज करते हैं ऑथोरिटेरियनिज्म के लिए कि लिबरल डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है, तो उसको एक हथियार की तरह यूज करके खुद ऑथोरिटेरियन रेजिम बनाते हैं। इसके अलावा समाज में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बढ़ने के चलते पोलराइजेशन बढ़ रही है। हम लोग अपने कंट्री में देख सकते हैं, पूरी दुनिया में, यूरोप में ऐसा हो रहा है। फार राइट पॉलिसी जो जो विंग की जो पॉलिसी है उसके चलते भी होती है, और एंटी पॉलिटिक्स के चलते होती है। ग्लोबल स्टेबिलिटी जो मैंने कहा वो थ्रेट में आती है। एक नया कोल्ड वॉर हम लोग होता हुआ देख रहे हैं लिबरल और इलिबरल वर्ल्ड के बीच में, जहां पे लिबरल वर्ल्ड जो है यूएसए और वेस्टर्न यूरोप रिप्रेजेंट करता है, इलिबरल वर्ल्ड जो है चाइना, रसिया, ईरान, टर्की उसको जो है रिप्रेजेंट करता है, और उसके बीच में जो है टेंशन बढ़ती चली जा रही है। कल्चरल और सिविलाइजेशन क्लास उसका जो है सीधा नतीजा है, वो अभी हम लोग देख भी रहे हैं। रिसर्जेंस ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, और गवर्नेंस भी जो है लोग री इमेजिन करने लगे हैं कि इस तरह का जो शैम लिबरल डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है, क्या उसके बदले कोई और दूसरे तरह का गवर्नेंस हो सकता है जो रियल पीपल को इम्पावर करे, जिसमें स्टेट जो है पॉजिटिव स्टेट हो, राइट्स जो है पॉजिटिव हो, एंड और जो इक्वालिटी हो सब्सटेंटिव हो, इक्वालिटी ऑफ आउटकम हो, और जस्टिस जो है वो ग्लोबल लेवल पे, इस टाइप का गवर्नेंस हो सकता है क्या? इसके अलावा जो ग्लोबल कॉपरेशन है वो लिबरलिज्म के डाइल्यूट होने से, डिक्लाइन होने से वो चैलेंज में पड़ती है, क्योंकि सारे जो जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक, IMF, सब लिबरल इंस्टीट्यूशन है। यदि लिबरलिज्म डिक्लाइन होगी, उसमें वैल्यू, उसमें लोगों का विश्वास कम होगा, स्टेट उससे विड्रॉ करेंगे, तो ग्लोबल गवर्नेंस के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसके अलावा जो है ह्यूमन राइट्स का भी इरोजन जो है होता है, क्योंकि लोग उसको अब ये कहना जब स्टेट शुरू कर देते हैं, खास करके थर्ड वर्ल्ड में, कि अरे ये ह्यूमन राइट तो एक इंस्ट्रूमेंट है हमें दबाने का, तो रियल में कहीं कहीं जो ह्यूमन राइट आहत होती है इस नाम पे कि हम नहीं मानते ह्यूमन राइट के कॉन्सेप्ट को। तो ये सारे जो हैं कॉन्सिक्वेंसेज लिबरलिज्म के डिक्लाइन के हैं। इस अब लिबरलिज्म कितना अपने को रिफॉर्म कर पाता है और कितना वो इसको सस्टेन कर पाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूरे दुनिया में जो अभी पार्टी सबसे खराब परफॉर्म करती है वो लिबरल पार्टी करती है। आपको ये सुन के आश्चर्य होगा, क्योंकि जो कंजर्वेटिव पार्टी है बहुत स्ट्रांग है, वो लिबरलिज्म की धारा से निकली है लेकिन राइट विंग हो जाती है, वो अच्छा कर रही है और फार राइट अच्छा कर रही है। जो प्योर लिबरल पार्टी है पूरी दुनिया में वो स्ट्रगल कर रही है। चलिए ये फाइनल क्वेश्चन है, दैट इज वन ई, लिंकेजेस बिटवीन पावर एंड हेजमनी। ये कहां से लिया गया? सिलेबस की थीम थी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कोलन हेजमनी आइडियोलॉजी लिस्ट में से, सीधा पावर हेजमनी यहां से उठा लिया, क्या लिंकेज है उसका? देखिए, पावर पॉलिटिकल साइंस में एक ऐसी टर्म है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इससे सेकंड इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन पावर। हर कोई पॉलिटिकल एक्टर जो है अपने इंटरेस्ट को प्रिवेल अपॉन करना चाहते हैं या अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए एक ही टूल है, वो है पावर। जिसके पास जितना पावर वही अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर सकता है। दिस इज द गेम ऑफ इंटरेस्ट एंड पावर। तो पावर के कई कई मायने और कनोटेशन हैं। जो पहला सबसे जो सिंपल है कि पावर एक इन्फ्लुएंस है,
इन्फ्लुएंस क्या है? एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप और स्टेट टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द एक्शंस एंड बिलीफ ऑफ अदर्स, जो रॉबर्ट डहल कहते हैं कि यदि ए बी को कोई ऐसे काम करने के लिए विवश कर सकता है जो अदरवाइज वो नहीं करता, तो ए का बी के ऊपर पावर है। सिंपल, हम लोग इसी को पावर कहते हैं। फादर मदर का बच्चों के ऊपर पावर होता है, क्योंकि बिना उसके मर्जी के बच्चे को वो करना पड़ता है जो माँ बाप कहते हैं। पावर यही है। सर्वेंट पर पावर होता है मालिक का, क्योंकि मालिक उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है वो करने को, जो उसको करने का नहीं भी मन हो तो करे। दिस इज पावर। दिस इज सिंपल एंड मोस्ट ओवर्ट, मोस्ट टेंजिबल, मोस्ट दिखने वाला रूप पावर का होता है, जो हम इंट्यूटिवली समझते हैं कि पावर ये है। लेकिन सेकेंड डायमेंशन पावर का जो छिपा हुआ है, वो बैकराक एंड बैराज ने अपने एक एस्से में लेकर के आया, सेकेंड डायमेंशन ऑफ पावर। उन्होंने ये कहा कि पावर केवल ये नहीं होता है कि आप दूसरे को कोई काम करने के लिए विवश करें, इन्फ्लुएंस करें। आप जो है डिसीजन मेकिंग एजेंडा में ही किसी चीज को ना आने दे, ये भी बहुत बड़ा पावर है, ये छिपा हुआ पावर होता है। यदि मान लीजिए कि ग्रुप में, अब यहाँ ग्रुप की बात हो रही है ना, दो पर्सन के बीच की बात नहीं हो रही, यदि ग्रुप में मान लीजिए कि मान लीजिए कैबिनेट का एजेंडा है, उस एजेंडा में यदि कोई पॉइंट आने ही ना दिया जाए तो वहां पे कौन आएगी कि कौन ग्रुप जीतता है? मतलब नेशनल पॉलिसी मेकिंग एजेंडा में कोई पॉइंट आने ही ना दिया जाए तो, कॉलेज के सीनेट के बैठक में कोई एजेंडा में कोई पॉइंट आने ही ना दिया जाए तो कौन एजेंडा सेट करता है? ये जो है सेकेंड डायमेंशन ऑफ पावर है। फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पावर बैकराक एंड बैराज कहते हैं, वो ये कहता है कि एजेंडा में जो पॉइंट होते हैं उसमें किसकी चलती है। सो सेकेंड डायमेंशन ऑफ पावर में बैकराक एंड बैराज ये कहते हैं कि फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पावर केवल ये कहता है कि एजेंडा में जो पॉइंट होते हैं उसमें किसकी चलती है, कौन जो है प्रिवेल अपॉन करता है, जिसके पास पावर होता है। लेकिन वो तो फर्स्ट डायमेंशन ऑफ पावर है। एजेंडा में लाने की पावर, एजेंडा में कोई पॉइंट आए या नहीं आए, ये सेकेंड डायमेंशन है। थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर जो है स्टीवन ल्यूक्स लेके आते हैं, बाद में ग्रामस्की उसको अलग ढंग से समझाते हैं, लुई अल्थुजर उसको अलग ढंग से समझाते हैं। स्टीवन ल्यूक्स कहते हैं, रेडिकल पावर का व्यू लेकर के आते हैं, थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर, द रेडिकल फेस ऑफ पावर, उसमें वो कहते हैं कि जो ये फर्स्ट डायमेंशन सेकेंड डायमेंशन से भी जो इंसीडियस और बहुत ही खतरनाक पावर है, वो आइडियोलॉजिकल पावर है। वो पावर है जिसको आप हेजोमनी कह सकते हैं, जहां पे कि आप जिसके ऊपर पावर रखते हैं उसके दिमाग को ही ब्रेन वॉश कर देते हैं, और आप उसके आइडियाज, परसेप्शन, व्यूज, बिलीफ सिस्टम, वर्ल्ड व्यू को ही चेंज कर देते हैं इस तरीके से कि उसको जो आप चाहते हैं वही वो चाहने लगता है। आप समझ रहे हो? इसका एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, कास्ट सिस्टम इंडिया में, जहां के ब्राह्मण्स क्षत्रिय जो पावर सेंटर था, उन्होंने वेद पुराण और इन सब के थ्रू जो है साहित्य और हिंदू शास्त्र के थ्रू ये समझाने में सफल हो गए दलितों को, अनटचेबल्स के, कि दलित होने में, अनटचेबल होने में और वैसा ही सर्विस देने में उन्हीं की भलाई है। उनको गांव के बाहर रहना और अब ढोल पीट के आना, किसी को ना छूना, कोई प्रॉपर्टी नहीं रखना और ऊंचे कास्ट की केवल सेवा करना ही उनका, उनके हित में है। सोचिए, और हजारों साल तक जो है लोग इसको बिलीव करते रहे हंसी खुशी बिना किसी लड़ाई के। तो ये जो है थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर है, जो आइडियोलॉजिकल पावर है, आप ब्रेन पे कब्जा करते हैं ग्रुप के। सो इट इज इन्फ्लुएंसिंग एंड मैनिपुलेटिंग आइडियाज, बिलीफ एंड वर्ल्ड व्यू ऑफ पीपल हु देन ऑफर कंसेंट फॉर डोमिनेशन विदाउट कोअर्शन, कोई मारपीट के बगैर जो है वो डोमिनेशन एक्सेप्ट करते हैं। पीपल विलिंगली सबमिट टू सच पावर, कंसिडरिंग देम एज नॉर्मल, कॉमन सेंसिकल, गिवन, नेचुरल, डिवेनली ऑर्डेंड एंड बेनिफिशियल टू देम। मतलब खुद ही जो है वो मान लेते हैं कि हाँ हाँ यही यही ठीक है, जो आप कह रहे हो मेरे ऊपर आपका शासन ही सही है। और इस तरह का पावर जो है वो इनविजिबल होता है, कोवर्ट छिपा हुआ होता है, इंटरनलाइज्ड होता है, आपके दिमाग में घुस जाता है और ये दिखता नहीं है, इंटेंजिबल होता है। और ये सबसे खतरनाक और सबसे परवेसिव और सबसे अधिक दिन तक चलने वाला पावर होता है, सबसे मजबूत पावर होता है। तो हेजमनी उसी को दर्शाते हैं। सो हेजमनी डिनोट्स कल्चरल डोमिनेंस, आइडियोलॉजिकल कंट्रोल एंड कॉन्सेंसुअल डोमिनेंस, मतलब डोमिनेंस बाय कॉन्सेंट, आप अपने को डोमिनेट होने के लिए ही सौंप देते हो। इसको जो है ग्रामस्की ने जो है हेजमनी कहा, लुईस अल्थुजर जो स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म के बहुत बड़े थिंकर थे, उन्होंने इसको जो है आइडियोलॉजिकल पावर कहा, एक तरह से वो भी हेजमनी ही कह लीजिए। इसका जो मैकेनिज्म है अब आप समझ सकते हैं, वो तीन इसके जो है डायमेंशन है, हार्ड, सॉफ्ट एंड स्ट्रक्चरल।
जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सॉफ्ट है। सो कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल जो इन्फ्लुएंस होता है वो सॉफ्ट पावर है। डोमेस्टिक एरिना में जो है, जो लुई अल्थुजर कहते हैं आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, मतलब स्टेट का जो मीडिया पे कंट्रोल होता है, डिस्कोर्स पे कंट्रोल होता है, पब्लिक ओपिनियन पे कंट्रोल होता है, पॉपुलर मास कम्युनिकेशन, मूवी, मैगजीन, इन सब पे जो न्यूज़पेपर पे जो कंट्रोल होता है, उसके थ्रू जो है हेजेमनी स्टेब्लिश करते हैं पावरफुल जो ग्रुप, डोमिनेंट ग्रुप होता है। इंटरनेशनल रिलेशन में इसको आप सॉफ्ट पावर समझ सकते हैं, जो जोसेफ ने कहा, जो कि एक तरह का आइडियोलॉजिकल पावर या चार्मिंग पावर है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरल पावर देता है आपको। इंटरनेशनल यदि आप एरिना में देखें ज्यादा दिखता है, तो कौन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, किसके थॉट से यूनाइटेड नेशन बना, WTO बना, वर्ल्ड बैंक बना, ये सब जो है लिबरल कंट्री, पावरफुल कंट्री अमेरिका ने बनाया, इसलिए अमेरिका हेजमन हो जाता है। उन्होंने वर्ल्ड को जो है स्ट्रक्चर दिया, जो हम जिसमें हम जीते हैं, उन्होंने दुनिया को दुनिया दिया। तो स्ट्रक्चरल पावर वो पावर है। ये इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को दर्शाता है, जो कोर एंड पेरिफेरी स्ट्रक्चर, मैं यहाँ आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर है जो हेजमनी का, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हार्ड पावर है। इसको आप मत समझिए कि डंडे की पावर नहीं है, वो बेनाइन बिग गन टाइप का है। पीछे में बंदूक है, आगे चार्म है, आगे आइडियोलॉजी है। यदि आइडियोलॉजी से ना माना तो फिर बंदूक है, डंडा है। स्टेट जिसको कि कहते हैं लुई अल्थुजर डोमेस्टिक एरिना में रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस, मतलब पहले स्टेट का आइडियोलॉजिकल एपरेटस सामने आता है। लेकिन यदि कुछ लोग इतने बुद्धिमान हैं कि स्टेट के उस आइडियोलॉजी को ना माने, अपनी काउंटर हेजमनी करने की कोशिश करे, तो फिर स्टेट उसको बंद करेगा, जेल में ठूसेगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन करेगा, डंडा मारेगा। तो ये जो है डोमेस्टिक अरेना में रिप्रेसिव स्टेट अपरेटस है, और इंटरनेशनल रिलेशन में मिलिट्री सुपरियोरिटी और ऑफ हेजोमन है। अमेरिका का डंडा चलेगा फिर यदि नहीं मानेगा तो। हेजोमनी एंड पावर जो है वो नियोरियलिस्ट व्यू इन इंटरनेशनल रिलेशन माना जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन में यदि आप देखें तो वहां ये माना जाता है कि स्टेट जो है अकुमुलेट करते हैं पावर को टू बिकम हेजोमन। यही यही हर स्टेट हेजमन बनना चाहता है, और उसका एक ही जरिया है कि अधिक से अधिक पावर एक्यूमुलेट करो, और इसीलिए हेजमन जो है उसको सोल सुपर पावर कहा जाता है। तो यूएस को आप हेजमन कह सकते हैं। तो हेजमनी आप समझ सकते हैं किस तरह का पावर है। जनरली फिर से एक बार समझिए कि ये एक तरह का कल्चरल आइडियोलॉजिकल पावर है। मतलब जब आप जिस ग्रुप पर पावर इस्टेब्लिश करते हैं, उसके दिमाग को ही ब्रेन वॉश करके, उसके परसेप्शन, बिलीव, वैल्यू एंड वर्ल्ड व्यू को ही आप ऐसा चेंज कर देते हैं कि वो कॉन्सेंसुअल डोमिनेंस हो जाता है। वो खुशी खुशी आपका डोमिनेंस को एक्सेप्ट करता है बिना किसी कोएर्सन के। ये डोमेस्टिक अरिना में भी देखा जाता है और इंटरनेशनल में भी। ओके डियर स्टूडेंट, अब यदि फाइनली मैं आपको सलाह दूं कि आपको किस तरीके से पेपर वन पढ़ना चाहिए, बहुत आसानी से आप इसकी तैयारी बहुत कम समय में कर सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गौबा पढ़ें, पूरी किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड्री हेवुड जो है बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसके भी कुछ चैप्टर को पढ़ें, ये फ्री नेट पे अवेलेबल है। और इग्नू स्टडी मटेरियल वंडरफुल है, ये भी फ्री www.ज्ञानकोश.ac.in पे है। तो सब फ्री है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं। इवन ओपी गोवा का फ्री पीडीएफ मैंने नेट पे देखा है, पुराना वर्सन है लेकिन ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो constitution.pdf से पढ़ें, मैं हमेशा कहता हूँ ये फ्री नेट पे है। आप constitution.pdf लिखें, आप डाउनलोड कर लीजिए, सबसे अच्छा है सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, सीधा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेंट्री यदि पढ़नी है तो डीडी बसु एक अच्छी बुक है, पढ़ लीजिए सेलेक्टिव वे में। और इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए एक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स ऑफ इन इंडिया सबसे अच्छी किताब है। WPT के लिए अगेन ओपी गोबा बहुत पतली से छोटी अच्छी बुक है। इग्नू स्टडी मटेरियल वंडरफुल है, फ्री है नेट पे। और IPT के लिए ओपी गोबा ठीक है, लेकिन एक बुक जो मुझे बहुत पसंद है वो थॉमस पैंथम के एडिट की हुई पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया है। आई थिंक ये इतना ज्यादा है। इसके अलावा कोई यदि एग्जाम गाइड किसी ने लिखी हो, जैसे मैंने लिखी हो, जिसी नेट के लिए CUET PG, यदि कोई ऐसा हिम्मत किया है तो वो जरूर पढ़िए, उसको बहुत बार पढ़िए यदि आपको वो बुक अच्छा लगता है। एक समय यदि गॉड विलिंग यदि चाहे तो मैं कुछ महीनों की मेहनत से जो है एक गाइड लिखने की कोशिश करूंगा paper 1 paper 2 पे, तो आप उस समय में आप उसको पढ़ सकते हैं। अभी तो इन सब के थ्रू आपको पढ़नी होगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लोगों को बताएं, क्योंकि यदि ये अधिक से अधिक लोग देखेंगे, और मैं ये सोचता हूं कि केवल वही स्टूडेंट इसको नहीं देखेंगे जो CSE मेंस दे रहे हैं, मेरे सभी स्टूडेंट देखेंगे, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, जिससे कि मेरा पैशन बना रहे और इसके अगली पार्ट में जल्दी लेके आ पाऊं। और यदि आप नेट JRF दिसंबर साइकिल में अपियर होना चाह रहे हैं या सेट असिस्टेंट प्रोफेसर
ऑफिसर या एसएसबी पीजीटी आरपीएससी जैसे एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपके लिए वंडरफुल मौका है एक ब्यूटीफुल जर्नी का पार्ट बनने का। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर करें अपना मेल, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर इस आईडी पे polschelp@polschelp.in पे गौर करें और इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के। मिलते हैं फिर पार्ट टू जल्द से जल्द लेकर के। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एंजॉय।